नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। 2024 आने वाली है और हमारे न्यू ईयर में सारे जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, मेरा परिवार यानी कि YouTube फैमिली, Instagram फैमिली और Facebook फैमिली, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबकी मनोकामना शनिदेव पूरी करेंगे। शनिदेव ही क्यों? क्योंकि 2024 का जो साल है वो शनि का साल है और कर्म आपको सही रखने, बस इतना ही ध्यान रखिए। बाकी राशिफल तो जो मैं बताऊंगी वो बताऊंगी ही, नेगेटिव इफेक्ट्स आपको थोड़े बहुत तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर जो रेमेडीज मैं बताती हूँ उन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको जिंदगी में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, उपाय तो आपको जरूर करने हैं। आज मैं बात करूंगी कन्या राशि का 2024 कैसा रहने वाला है, लेकिन 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 अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो जरूर कर दे, और वीडियोज को सेव करना तो बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि ये जो वीडियो है ना आपको साल भर काम आने वाली है। और अगर अभी तक आपने अपने ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं करवाए, कुंडली मेकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ईयरली प्रेडिक्शन। ईयरली प्रेडिक्शन में मैं वैसा प्रेडिक्शन देती हूँ कि आपको हर महीने में कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन सा रंग पहनना है, क्या करना है, कौन से खास दिन में आपको डोनेशन करनी है, क्या क्या उपाय आपको किस किस महीने में करना है, क्या क्या परेशानी आपके किस महीने में आने वाली है, ईच एंड एवरीथिंग हैंड रिटन आपको फोटो के तौर पर मिलने वाली है। तो ये ईयरली प्रेडिक्शन जरूर से जरूर करवा लीजिए, मात्र 800 रुपये फीस है। अपने डिटेल्स भेजकर आप 7003032861 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज बात करूंगी कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि का जो स्वामी होता है वो होता है बुध, और कन्या राशि को चाहिए कि अपने कर्मों का ध्यान सबसे ज्यादा रखें। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं बनना है आपको इस साल, लेकिन दूसरों की मदद जरूर करें जितना ज्यादा पॉसिबल हो। डोनेशन के ऊपर ध्यान ज्यादा रखें। आपका जो लकी कलर है वो है हरा रंग। हरा रंग का या तो आप रुमाल यूज़ करना शुरू कर दें हरे रंग के, या तो हाथ में बैंड्स पहनना शुरू कर दें। ग्रीन कलर का जितना ज़्यादा उपयोग आप करेंगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, और ग्रीन कलर को हमेशा अपने साथ कैरी करना ना भूलें, क्योंकि आपका राशि का स्वामी है बुध, तो बुधवार जो है वो आपके लिए लकी रहने वाला है। इसके अलावा गणेश जी की आपको आराधना करनी है। जी हाँ, गणेश जी आपको हर संकट से बचाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ध्रुवा लाकर, हरा हरा ध्रुवा लाइए, उसको बंच में या तो आप मौली सूत्र से बांध ले, या तो फिर आप ऐसे ही ओम गं गणपतिय नमः कहकर गणेश जी को अर्पण करें। आपके छठे भाव में केतु रहने के कारण थोड़ी परेशानी तो आपको जरूर आएगी। थोड़ी परेशानी क्या, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि अरे मेरे तो अभी पैसे आए ही थे मेरे पास और अभी हॉस्पिटलाइज हो गया कोई, और आपको खर्च करने पड़े। फैमिली में कोई मेंबर हेल्थ का हो सकता है इश्यूज हो जाए, या फिर हो सकता है कि कोर्ट कचहरी के केसेस आपके ऊपर जो ऑलरेडी चल रहे थे, जो क्लोज हो गए थे, वो केसेस ओपन हो जाए, या फिर सडनली कोई आगे बढ़कर आपसे लड़कर कोर्ट कचहरी के केसेस में आपके साथ हावी हो जाए। तो इन चीज़ों से बचना होगा। बचने के लिए खाटू श्याम की आराधना करनी होगी, क्योंकि केतु जो है वो हेडलेस एनर्जी है और खाटू श्याम जो है उनका तो सर ही, क्या ही कहूं मैं, बरबरी जी जो है वो महान है, और खाटू श्याम की आराधना आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा। इसीलिए साल के पहले दिन जरूर 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 खाटू श्याम की एक तस्वीर या कोई स्टैचू लाकर आप जरूर स्थापना कर ले और उनकी हर रोज पूजा करें। यकीन मानिए ऐसा कोई काम नहीं कि खाटू नरेश के पास पहुंच जाए अर्जी और वो पूरी ना हो, याद रखिए इस बात को। चलिए और बता देती हूँ, मन मुटाव जीवन साथी के साथ होने की संभावनाएं हैं। थोड़े कोर्ट के से कचहरी के केसेस में खुद भी नहीं उलझना है। मतलब मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कह दिया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो कि अरे उसने मेरे से ऐसे कह दिया, चलो मैं भी उसके ऊपर केस कर देता हूँ, मत पढ़िए, झमेले में मत पढ़िए। अवॉइड दिस सिचुएशन, जितना ज़्यादा नेगेटिव लोगों को आप अवॉइड करके चलेंगे ज़िंदगी में खुशियाँ उतनी ज़्यादा आएगी, क्योंकि आप नेगेटिव के साथ नेगेटिव अगर व्यवहार करने लगेंगे, वो अगर आपको कुछ भी कहते हैं कि भैया ऐसा मत करो वैसा मत करो, मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे, मैं तुम्हारी चीज़ों से परेशान हूँ, आप हाथ जोड़कर कहिए भैया माफ़ कर दीजिए मेरे से गलती हो गई और हट जाइए। जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, इन चीज़ों में नहीं उलझना है, क्योंकि माता लक्ष्मी रुक जाएगी अगर आप इन चीज़ों में पड़े। आपको लगता है कि आप अपने मन में आप सच्चे हैं तो दुनिया को दिखाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब चक्करों से दूर रहिए। दूसरी बात, हो सकता है नज़दीकी किसी संबंध में अनबन हो जाए, आपको हो सकता है कोई इंसान धोखा दे दे जो आपका खुद का ही कोई क्लोज हो, आपको घबराने की कोई बात नहीं, उनकी सच्चाई सामने आएगी, तो ऐसा आपको थोड़ा बहुत हर्ट हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को लेकर कभी भी परेशान मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी में वही लोग रहने चाहिए जो आपके लायक हो, जो आपके लाइफ में
आपके लिए इम्पोर्टेंस हो, तो इन चीज़ों को होने से आप दुखी ना होए। एक में से गुरु जो है वो आपका साथ देगा, भरपूर साथ देगा, इतने पैसे आएंगे ना, आपको सेविंग्स करनी है, क्योंकि अगर आप सेविंग्स नहीं करेंगे तो पैसे कहीं पर भी खर्च हो जाएंगे और उन पैसों से आप कुछ एसेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चाहिए बड़ा घर, बड़ा कार, बड़ा बंगला, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, तो उनको पूरे करने के लिए पैसे संचय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु अगर साथ देगा तो केतु भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि केतु जो है वो गुरु का चेला है। 10 मई से लेके 30 मई तक बुध जो है वो अष्टम भाव में रहने वाला है। थोड़ी हेल्थ की परेशानी, थोड़ी आर्थिक स्थिति की परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आप रेमेडीज जो मैंने बताए हैं वो करना शुरू कर दिए तो आपका कुछ नहीं होगा, यकीन मानिए। आपको बहुत ज़्यादा सेवा करनी है, किसकी? केले के पौधे की। जी हाँ, केले का पौधा साल के शुरू में ज़रूर लगा लें, घर के आंगन में लगाएं, सामने नहीं पीछे की तरफ लगाएं, या फिर दरवाजे के दोनों साइड में रख दें और उनकी सेवा करें। कच्चे दूध में हल्दी मिलाकर हर बृहस्पतिवार को केले में अर्पित करना है, केला ले जाकर हर बृहस्पतिवार को किसी मंदिर में दान करना है, और आपको ब्लैक कलर का ब्लैंकेट, जितने भी गरीब हैं, नीडी हैं, जो कुष्ठ रोगी हैं, जो सच में हैंडीकैप है, वैसे व्यक्ति को अगर आप डोनेशन करते हैं ना, वाह मैं क्या ही कहूँ, इससे ज़्यादा लाभ आपको मिल नहीं सकता, क्योंकि शनि जो है वो 2024 का राजा है, और वो नीडी पर्संस जो है उनको अगर आप कुछ भेंट करते हैं तो उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहने वाला है। अपने वजन बराबर हरा चारा, क्योंकि बुध है आपका राशि का स्वामी, हरा चारा का आप दान करते हैं किसी भी गौशाला में, तो इससे आपके जितने खराब ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट्स कमजोर हो जाए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने वजन बराबर चारा गाय को दान किया। जैसे ही वो गाय उस चारे को खाएगी, आपकी जितनी नेगेटिव चीजें हैं खत्म होती चली जाएगी। किन्नर समाज के लोगों की सेवा करें, उनको पैसे दें, उनको वस्त्र दान करें, कंबल का दान इस ठंडे मौसम में, काले कंबल का दान अति उत्तम रहने वाला है हर एक के लिए, मैं तो कहूंगी। और क्योंकि शनि का साल है तो शनिवार के दिन जरूर तिल का तेल का दिया आपको जलाना है अपने घर के बाहर। सरसों का तेल का दिया, थोड़ा सा काला तेल डालकर अपने सर से लेफ्ट कान से घुमाकर एंटी क्लॉकवाइज उसमें डाल दें। शाम के समय किसी भी पीपल बरगद के वृक्ष के नीचे, अगर शनि भगवान की मंदिर है तो अति उत्तम, जाके रख कर चले और पीछे मुड़ के ना देखें। इस काम को अगर आप कर लेते हैं, कुत्तों की अत्यंत सेवा कर लेते हैं, उनको अगर आप दूध कच्चा पिला देते हैं, हल्दी की गांठ साथ लेकर हर बृहस्पतिवार को अपने पास रख लेते हैं, तो यकीन मानिए गुरु साथ देगा, केतु सही हो जाएगा, शनि का साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। इन सारे उपायों को करके अपना 2024 को ग्रैंड 2024 बनाइए। हर भर भर के, पोटली भर भर के, बस्ते भर भर के पैसे जमा करिए और अपने लक्ष्य को सही करिए। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। सेव करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने यूट्यूब में शेयर करें, ताकि लोगों तक चीज़ें पहुँचें। और इसी तरह मैं आपके साथ बनी रहूँगी और नेक्स्ट राशि को लेकर आऊँगी कल। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, धन्यवाद।